हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आपको बैडमिंटन सर्विस फॉल्ट्स के बारे में बताऊंगा कि जब भी आप बैडमिंटन सर्विस कराते हैं तो सर्विस जज आपको कितने टाइप्स के फॉल्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फुटफॉल के बारे में बताऊंगा कि फुटफॉल किस टाइप से होता है। रूल्स 9.2 और 9.3 के अकॉर्डिंग जब भी आप सर्विस कराने जाए आपके दोनों लेग ग्राउंड से टच हो। अगर आप छोटी सर्विस करा रहे हो तब भी आपके लेग्स ग्राउंड से टच होने चाहिए, या फिर जब आप लॉन्ग सर्विस करा रहे हो तब भी आपके लेग ग्राउंड से टच होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप सर्विस कराएंगे तो आपका लेग प्रॉपर पूरा ग्राउंड से टच होगा। अगर आप उसको ग्राउंड से अप करते हैं या उसको आगे की ओर ड्रैग करते हैं तो ये आपका लेग और फुट फॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पे सर्विस जज आपको फॉल्ट देता है। आई होप फर्स्ट रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फुट फॉल्ट। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपकी सर्विस लाइन, सर्विस कराते टाइम जो आपके साइड लाइन है, आपका लेग किसी भी लाइन को टच ना करे। जब भी आप सर्विस कराएं तो आपका लेग हमेशा थोड़ा सा लाइन से डिस्टेंस में रहे। अगर वो लाइन से चिपका हुआ होगा और आप सर्विस कराते हैं तो सर्विस जज आपको यहाँ पे फॉल्ट दे देता है, क्योंकि आपका लेग लाइन से टच था। इसीलिए सर्विस कराते टाइम आप अपने लेग को ध्यान रखें कि वो किसी भी लाइन को टच ना करें, फिर आप सर्विस आराम से कराएं। अब दूसरा जो फॉल्ट है वो है कंटिन्यूस मूवमेंट फॉल्ट। इसमें क्या होता है, जब भी आप शटल से सर्विस कराते हैं तो आपका जो रैकेट का मूवमेंट है शटल के साथ वो कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे आप सर्विस करा रहे हैं और आपका रैकेट एक बार पीछे से जाने के बाद एकदम से झटके से अगर आप सर्विस करा देते हैं तो सर्विस जज इस जगह पे आपको फॉल्ट देता है, क्योंकि आपने शटल को कंटिन्यूस मूवमेंट के साथ हिट नहीं किया। अब जैसे मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ कि आप सर्विस करा रहे हैं तो इसका मूवमेंट एक बार बहुत ही स्लो सॉफ्टली होना चाहिए इसका मूवमेंट, तब जाके ये एक नॉर्मल डिलीवरी होगी, वरना सर्विस जज आपको फॉल्ट दे देगा। तो आई होप आपको दूसरा रूल भी समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूस मूवमेंट आपका रैकेट का होना चाहिए, एकदम ही आप उसको झटके से सर्विस ना कराएं। अब लॉ 9.1.4 के अकॉर्डिंग अगर सर्विस कराते वक्त आपके शटल का बेस रैकेट से टच होता है तो वो एक नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट अगर सर्विस कराते टाइम आपके अगर फेदर आपके रैकेट से टच होता है तो वो एक फॉल्ट सर्विस होगा। जैसे कि आप सर्विस करा रहे हैं और सर्विस को आपने बेस से ना मार के उसके फेदर से मारते हैं तो वो एक फॉल्ट डिलीवरी होगी, उसमें आपको सर्विस जस्ट फॉल्ट देता है। आई थिंक ये सर्विस भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉल्ट है हाइट फॉल्ट। इसमें क्या होता है, जब भी आप सर्विस कराते हैं तो सर्विस जस्ट सबसे पहले आपके वेस्ट की लाइन को नाप लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका वेस्ट लाइन, अगर आप अपने हैंड को बेंड करें तो यहाँ पे एक वेस्ट लाइन बनाता है सर्विस जज, और जब भी आपके वेस्ट के लाइन से सर्विस ऊपर होने लगता है तो सर्विस जज उसको फॉल्ट दे देता है। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब भी यहाँ पे मेरा वेस्ट लाइन है और मैं उसको सर्विस को ऊपर से सर्विस कराता हूँ और इसको मैं सर्विस करा दिया तो इसमें सर्विस जज आपको फॉल्ट दे देगा, क्योंकि ये आपके वेस्ट लाइन से ऊपर की सर्विस थी, इसलिए ये वाला सर्विस आपका फॉल्ट होगा। आई थिंक ये सर्विस भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉल्ट है रैकेट फॉल्ट। लॉ 9.1.6 के अकॉर्डिंग जब भी आप सर्विस कराएं तो आपके रैकेट का जो फेस है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड होना चाहिए। अगर सर्विस कराते टाइम आपका रैकेट का शाफ्ट अगर पैरेलल होता है तो वो एक फॉल्ट डिलीवरी होगा। जब भी आप सर्विस कराएं तो आपके रैकेट का जो हेड है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड हो। अब मैं आपको सर्विस करा के दिखाता हूँ कि जब भी आप सर्विस कराएं और आपका रैकेट अगर पैरेलल हो जाता है तो सर्विस जज आपको ये वाला फॉल्ट सर्विस बोलेंगे, क्योंकि इसमें आपके रैकेट का जो शाफ्ट था वो पैरेलल था। इसीलिए जब भी सर्विस कराएं उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड कर लें, इससे आपका सर्विस नॉर्मल होगा। आई थिंक ये सर्विस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरे न्यू वीडियो आते ही आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक आप अपना ध्यान रखें और सेफ रहें।